फेसबुक पर जेन्युइन नेम डलता है। ओके, फेसबुक पर आप नाम डालने जाते हैं तो वहाँ पर आप कोई सा भी नाम नहीं डाल सकते, जो जेन्युइन होता है, जो एक नाम होता है वही आप डाल सकते हैं। जैसे सतीश वर्मा है, ठीक है, अनिल कौशिक है, ऐसा आप नाम डाल सकते हैं, ठीक है, राम दांगी हुआ, ऐसे ETC नाम आप डाल सकते हैं, लेकिन आप और कोई अदर वर्ड यूज उसमें नहीं कर सकते। जैसे मैंने पहले अपना नाम डाला था रॉयल बॉय मिस्टर AK, तो ये उसमें मैच नहीं हुआ था, ये उस वो आप नहीं डाल सकते। किसी भी ऐसा जो नाम नहीं है वो आप फेसबुक पर नाम नहीं डाल सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो कंप्लीट बताने वाला हूँ, बिल्कुल जेन्युइन तरीका है। फेसबुक खुद नाम आपका चेंज करके देता है, तुरंत देता है, जैसे आप क्लिक करते हैं वैसे ही तुरंत आपका नेम चेंज हो जाता है। कोई सा भी आप नाम डाल सकते हैं, कोई सा भी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब मैंने YouTube चैनल को क्रिएट किया था रॉयल बॉय मिस्टर AK के नाम से, तो मैंने सोचा Facebook पर भी यही नाम होना चाहिए, रॉयल बॉय मिस्टर AK। तो जब मैं वहां पर अपना नाम डालने के लिए गया तो वहां पर मैंने देखा कि कोई सा भी नाम आप नहीं डाल सकते, जो एक जेन्युइन नाम होता है, ठीक है, जो एक जेन्युइन नाम होता है आशीष कुशवाहा, तो वही आप नाम डाल सकते हैं, कोई अदर नाम आप नहीं डाल सकते हैं। लेकिन फिर मुझे एक बात समझ में आ गई, वो ट्रिक मुझे समझ में आ गई कि आप कैसे नाम अपना डाल सकते हैं, कोई सा भी नाम डाल सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूँ, कोई सा भी फेक ट्रिक नहीं है, आपको फेसबुक एप्लीकेशन में ही आपको सब मैं करके बताऊंगा, किसी अदर एप्लीकेशन में जाके मैं नहीं बताऊंगा, आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ बताने वाला हूं कि आप अपने फेसबुक पर कोई सा भी नाम कैसे डाल सकते हैं। ओके, कई सारे बंदे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं कि भाई आप मेरा नाम जो है वो नहीं डल रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि कोई सा भी नाम आप नहीं डाल सकते, बस आप अपना जेन्युइन नाम है वही डाल सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आप कोई सा भी नाम डाल सकते हैं, बेज 99 हुआ, रॉयल बॉय मिस्टर AK हुआ, तो वो सब आप नाम डाल सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और आपको एनी प्रॉब्लम दिस वीडियो, एनी प्रॉब्लम DM ऑन इंस्टाग्राम। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो हम आ गए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपना जो प्रोफाइल है उस पर आपको चले जाना, चले नहीं गए, यहाँ पर आपको 3 डॉट ऑप्शन मिलता है एडिट प्रोफाइल की साइड में, 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड आपको दिखाई देगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर टर्न ऑन आपको कर देना है। तो जो हमारी प्रोफाइल है वो पेज में कन्वर्ट हो जाएगी, पेज में कन्वर्ट हो जाएगी, आप देखिए हमारा प्रोफाइल पेज में हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर में अपनी फेसबुक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है उसको, अपनी जो पेज है वो ओपन कर लेना है। अब आपका प्रोफाइल फेसबुक प्रोफाइल नहीं है, पेज हो गया, तो आपको इस पर प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर आपको चले जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम है, जो फेसबुक पेज का नेम है वो यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है, जो भी मैंने पहले से ही कर रखा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना। जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, तो उसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, मैंने कर लिया इसलिए मेरे में नहीं बता रहा है। ओके, तो आपको जो भी अपना फेसबुक का नाम रखना है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, डालने के बाद आपको पासवर्ड कर देना है, सेव चेंजेस आपका हो जाएगा, ठीक है, आपका नाम डल जाएगा। इसके बाद आपको फिर से फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर चले जाना है, ठीक है, फेसबुक प्रोफाइल पर। तो हमारा जो नेम है वो चेंज हो चुका है, अब यहाँ पर हमारा जो फेसबुक है वो पेज में है अभी, ठीक है, पेज में। अब इसको प्रोफाइल कैसे बना, फिर से 3 डॉट पर क्लिक करना है, टर्न ऑफ प्रोफेशनल मोड पर आपको फिर से क्लिक कर देना है, ठीक है, कंटिन्यू कर देना है। तो आपका जो पेज था वो प्रोफाइल में कन्वर्ट हो चुका है और अपना फेसबुक का नाम भी चेंज हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।